पंजाब में नशे के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है। इस बीच सीएम मान ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब की जवानी को नशे में बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स के मामलों से संबंधित 3 फाइलों को हाईकोर्ट ने खोल दिया है, जो मामले सरकार के पास पहुंच गए हैं। ऐसे में नशे को लेकर के पंजाब में फिर से बड़ी कार्रवाई की जानी तय है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज देशभर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। देशभर के अलग अलग हिस्सों में प्रभात फेरी अनुष्ठान और शोभा यात्रा निकाल करके जैन संप्रदाय के लोग पर्व पर खुशी मना रहे हैं। इस मौके पर पंजाब सीएम भगवंत मान ने बधाई दी है। सीएम मान ने ट्वीट कर कहा है कि महावीर जयंती के पावन अवसर पर सभी को बधाई, आइए भगवान महावीर जी की तरफ से दी गई शिक्षाओं पर अमल करें। पंजाब सरकार के मंत्री हरजन सिंह बैंस ने श्री आनंदपुर साहिब का दौरा किया है, जहां उन्होंने अपनी आईपीएस पत्नी ज्योति यादव के साथ श्री केसगढ़ साहिब में मत्था टेका है। इसके बाद मंत्री हरजन सिंह बैंस अपने विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे और बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लिया है। उसी के साथ उन्होंने पीड़ित किसानों से मुलाकात भी की है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा देने का काम करेगी। बठिंडा जेल में बंद कैदियों की आपस में झड़प हो गई है। इस दौरान कैदियों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जेल प्रशासन की शिकायत पर थाना कैंट पुलिस ने तीनों कैदियों पर जेल नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर 2022 को भी इन्हीं कैदियों के बीच झड़प हुई थी और एक दूसरे को इन्होंने घायल कर दिया था। लुधियाना के थाना डेहलो में तैनात एक एएसआई सुरजीत सिंह और हवलदार जगप्रीत सिंह को पुलिस ने 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि एनडीपीएस केस में उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। बाइक छोड़ने की एवज में 10,000 में पुलिस ने सौदा तय किया था। रिश्वत के 5,000 रुपए लेते ही विजिलेंस की टीम ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। लुधियाना पुलिस ने सोशल मीडिया स्टार को ब्लैकमेल करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में लुधियाना पुलिस ने मॉडल टाउन थाने में मामला दर्ज किया था। थाना प्रभारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जांच के बाद मामला दर्ज कर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली महिला को ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप ये भी कि गिरफ्तार सोशल मीडिया स्टार गैंगस्टरों के जरिए भी धमकियां दिलवाती थी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और पप्पलप्रीत सिंह की तलाश में पुलिस पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच पुलिस की टीम एक बार फिर यूपी के पीलीभीत पहुंची, जहां कई जगहों की सीसीटीवी की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई के बाद अमृतपाल और उसके साथी पीलीभीत पहुंचे थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमृतपाल यहां से विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि उत्तराखंड नंबर प्लेट की जो गाड़ी बरामद हुई है, अमृतपाल इसी गाड़ी के जरिए यहां पहुंचा और फिर पंजाब लौट गया। अमृतपाल सिंह के एक बार फिर से यूपी में होने की सूचनाओं के बीच सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। पंजाब और हरियाणा के किसान इस वक्त बेमौसम हो रही बारिश से काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल बारिश की वजह से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं ने भी फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो वहीं कोटकपूरा में भी बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में तैयार गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। फसलों को हुए नुकसान के बाद अब किसानों ने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवा करके उन्हें खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गेहूं की 3 नई किस्म लाने की तैयारी में है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि गेहूं की ये प्रजातियां मध्य प्रदेश की गेहूं से भी बेहतर होगी और बाजार में इससे अधिक
जालंधर के कोट किशन चंद स्थित एक मोबाइल शॉप में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। घटना की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो लोग दुकान में घुसते हैं और 10 मिनट के भीतर ही चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। घटना सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाकर फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के भी कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।